Hello students, today in competition file we will do some multiple questions from the unit classification of elements and periodicity in properties. Question number 1 is, both lithium and magnesium display several similar properties due to the diagonal relationship, however the one which is incorrect. Number 1 choice is, both form soluble bicarbonates, both form nitrides. Nitrates of both yield NO2 and O2 on heating, both form basic carbonates. These three are correct. Dono nitrite bhi banate hain aur nitrates jo hain heating ke baad decompose hokar NO2 and O2 dete hain. They form basic carbonate. The first choice, that is incorrect. Both of them do not form bicarbonate. To soluble hain ya nahi hain, uska sawal hi nahi paida hota. Wo bicarbonates banate hi nahi hain. Next question is, which of the following represents the correct order of increasing first ionization enthalpy for calcium, barium, sulfur, selenium and argon? These are the four choices and we have to find which is correct. Argon is a noble gas, iski ionization enthalpy sabse zyada hogi, and in all the four choices argon ki ionization enthalpy sabse zyada hai. Theek hai, ab dekhiye, कैल्शियम एंड बेरियम बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, दैट इज ग्रुप 2, एंड सल्फर एंड सेलेनियम बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप एंड दैट इज ग्रुप 16. तो ग्रुप 2 हम लिखेंगे. तो देखिए, दिस इज ग्रुप 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, एंड दिस इज ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम. तो कैल्शियम एंड सेलेनियम आर इन द सेम पीरियड. The ionization enthalpy of selenium will be more than calcium, because as we move left to right in a period, ionization enthalpy increases. So we will write, sulfur and selenium belongs to the same group. As we move down the group, ionization enthalpy decreases. So the ionization enthalpy of selenium is less than sulfur. And calcium and barium belongs to the same group. So as we move down the group, ionization enthalpy decreases. So ionization enthalpy of barium is less than calcium. So ab aapko dekhna hai ye teeno order kaun si choice mein fit baith rahe hain. So answer will be 2. Next question is, the correct order of electron gain enthalpy with negative sign of fluorine, chlorine, bromine and iodine having atomic number 9, 17, 35 and 53 respectively is. तो सारे हेलोजन्स हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. ठीक है, तो एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, बट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन. तो ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ रिपल्शन विद द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एनर्जी शेल. तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो रिलीज्ड एनर्जी है, सम पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इज यूज्ड. तो जो रिलीज्ड एनर्जी है दैट इज लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो चॉइस आएगी नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू द फोर्थ पीरियड एंड 15th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो ग्रुप 15 कहां पर है? ग्रुप 15 पी ब्लॉक के अंदर है, और 15th ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? नाइट्रोजन वाला. तो वी विल राइट एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. दीज आर द 15th ग्रुप एलिमेंट्स. नाइट्रोजन इज इन सेकेंड पीरियड, फास्फोरस इज इन थर्ड पीरियड एंड आर्सेनिक इज इन फोर्थ पीरियड. तो एलिमेंट कौन सा हो गया? आर्सेनिक हो गया. एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन विल बी 7, फास्फोरस ऐड कर दीजिए 8, 15, इसमें 18 ऐड कर देंगे 33. तो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 है, इसका मतलब इससे पहले
जो 3D सीरीज है उसके अंदर डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं होंगे, डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे। तो फर्स्ट चॉइस हमारी गलत हो गई, इट हैज कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड अ पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल, तो एफ ऑर्बिटल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये भी चॉइस हमारी गलत हो गई। इट हैज कंप्लीटली फिल्ड एस एंड पी ऑर्बिटल, दिस इज इन पी ब्लॉक, तो कंप्लीटली फिल्ड पी ऑर्बिटल तो हो ही नहीं सकते, ये भी चॉइस गलत हो गई। तो आंसर इज डी, इट हैज ए हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल एंड कंप्लीटली फिल्ड एस एंड डी ऑर्बिटल। तो आर्सेनिक से पहले जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 36 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल इज, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में कह रहा है, तो ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर एस ऑर्बिटल्स में देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वी विल राइट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम, पर वो हमसे 1 to 36 कह रहा है, तो केवल ये फोर एलिमेंट्स हमको लेने हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, लिथियम 3, सोडियम 11 एंड पोटेशियम 19, और इसका आएगा 37, तो हमें 36 तक लेना है, रुबिडियम हमको इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो फोर एलिमेंट्स तो ये हो गए, पोटेशियम के बाद क्या आता है, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद 3D सीरीज आ जाएगी, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर एंड जिंक, तो दिस इज 3D सीरीज। 3D सीरीज के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्रोमियम एंड कॉपर एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एंड देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल, कौन सा एस ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल, ठीक है, तो टोटल नंबर हो गए 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट Z इज इक्वल टू 114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली और ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें फोर फैमिलीज गिवन है, कार्बन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली एंड हेलोजन फैमिली। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, चारों फैमिली में से कोई भी एक ले लीजिए, सपोज हम नाइट्रोजन फैमिली ले लेते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ एंड नेक्स्ट हायर एलिमेंट, तो एलिमेंट के सिंबल भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको दो एलिमेंट्स भी याद है तो भी हमारा काम हो जाएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7, 8 ऐड कर दीजिए 15, फिर 18 ऐड कर दीजिए 33, फिर 18 ऐड कर दीजिए, तो दीज आर द मैजिक नंबर्स, आपने 8 ऐड करा फर्स्ट एलिमेंट में तो नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ गया, फिर 18 ऐड किया नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ गया, देन 32 एंड 32, तो लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 115 है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, 114, तो एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग नहीं करता है, उससे पहले वाली फैमिली को बिलोंग करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो हमें गिवन है दैट इज 114, तो आंसर हो गया ए। तो अगर आपको पहले दो एलिमेंट्स के भी एटॉमिक नंबर याद है, बाकी एलिमेंट्स के आप इन मैजिक नंबर की हेल्प से एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सीरियम इज 58, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम 3+ आयन इज, देखिए एटॉमिक नंबर हमें 58 दिया हुआ है एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन इज 36, तो ये दोनों चॉइसेस तो हो ही नहीं सकती हैं, ठीक है, ये दोनों चॉइसेस रह गई, सीरियम इज द फर्स्ट लेंथेनॉइड, तो 4F13 तो हो ही नहीं सकता, 4F13 मींस जो लेंथेनॉइड सीरीज है उसके अंदर सेकेंड लास्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर इज दिस वन, ज़ीनोन 4F1, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम इज ज़ीनोन 4F1 5D1 6S2, तो ज़ीनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 54 55 56 एंड 58, तो सीरियम 3+ आयन बनने के अंदर
ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे आउटर मोस्ट, और अगर आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे हैं तो फिर पेनल्टीमेट शेल. तो आंसर विल बी दिस वन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली. इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिलिकॉन, गैलियम, बिस्मथ एंड एस्टेटिन. तो एलिमेंट जो है एटॉमिक नंबर 117 है, इट विल लाई इन द सेवंथ पीरियड. तो जो भी अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो सेवंथ पीरियड के अंदर ही प्लेस किए जा रहे हैं. तो आप नोबल गैसेस का ग्रुप लेकर और मैजिक नंबर की हेल्प से एटॉमिक नंबर निकाल लीजिए, उसके विद रिस्पेक्ट आपको पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी. नोबल गैसेस हीलियम, नियोन, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम 2, मैजिक नंबर ऐड कर दीजिए 10. तो ये 117 है, तो ये आपका कौन सा है, ग्रुप 18. तो एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 17. तो ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन. तो जो एलिमेंट है 117 वो यहाँ पे लाई करेगा और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस्टेटिन से मैच करेगा. तो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आयोनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम ऑफ N3- O2- एंड F- आर रिस्पेक्टिवली. क्वेश्चन को देखकर लगेगा आयोनिक रेडियाई की वैल्यूज तो हमें आती ही नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है. दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज. तो N3- में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज मोर. तो जो साइज है N3- का सबसे ज्यादा होगा. तो हमें थ्री वैल्यूज गिवन है 1.71, 1.40, 1.36. तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 1.71. तो ये चॉइसेस तो पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए. तो 1.71 आप देखिए O2-, इसमें द साइज ऑफ O2- विल बी लार्जर देन F- एंड लेसर देन N3-. तो चॉइस आ गई आपकी ए. तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, और इस वाले टॉपिक के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही मैंने आपको करवाए हैं. और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर थोड़े मैंने क्वेश्चंस इस टाइप के भी देखे हैं, और डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ लेते हैं. तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. तो ऐसे ही लेंथेनॉइड्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट हो गया, लास्ट एलिमेंट हो गया, मिडल एलिमेंट हो गया, और जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हैं ये आपको एग्जाम के लिए लर्न करने चाहिए. तो बच्चों इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.